सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार सोबर जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू, एक्सक्लूसिव होने वाला है बिकॉज ये वेरिएंट आप यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे। ये 2022 की नई टाटा हैरियर। अब मैं इसको नया क्यों बोल रहा हूँ, नया इसलिए बिकॉज ये XZS वेरिएंट है, नया वेरिएंट है जो अभी हाल ही में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करने का एक ही मेन रीजन रहा है, वो है टाटा हैरियर के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को थोड़ा बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी बना देना, थोड़ी बहुत फीचर्स की कटौती करके। इनफैक्ट आप मान सकते हैं ये नया सेकंड टॉप वेरिएंट है बिकॉज XZ वेरिएंट के ऊपर ये लाया गया है। XZS वेरिएंट एंड XZ प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के नीचे आता है। आपको बाहर से देखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं दिखेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इस XZS वेरिएंट में। तो आज जो नए फीचर्स हैं, चेंजेस हैं, हम उनकी स्पेसिफिकली डिटेल में बात करने जा रहे हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टाटा मोटर्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आर्या टाटा गुड़गांव गोल्फ कोस्ट रोड पे मैं फिलहाल अभी खड़ा हूँ। स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कॉन्टैक्ट करिए, मेरा रेफरेंस दीजिए, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स हो पाएंगे, क्विकेस्ट डिलीवरी एप्लीकेबल हो पाएगी, वो आपको बेशक ऑफर करी जाएगी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जैसा ही है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस डिटेल्स है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको ऐसे कुछ की फॉब्स मिलते हैं, 4 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जो अभी मैंने ऑन करे हुए हैं, एंड आपको बूट को अनलॉक करने के लिए भी यहाँ पे जो बटन है दिया गया है। आगे से डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं ज़्यादा। आपको DRLs मिलते हैं जो इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, Xenon HID प्रोजेक्टर आपको मिलता है, तो Xenon HID का इस्तेमाल किया गया है लो बीम के लिए। हाई बीम आपको अभी भी हैलोजन बेस्ड ही मिलती है। फॉग लैंप्स कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आपको दिए गए हैं। ये जो क्रोम फिनिश ह्यूमैनिटी लाइन है आपको गाड़ी के साथ ही मिलती है। एंड आगे से आप जानते ही हैं टाटा हैरियर की जो मेन USP है वो इसके लुक्स एंड जो लैंड रोवर पेडिग्री आपको मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com। नाउ व्हाट इज bootmo.com? bootmo.com इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कार स्पेयर पार्ट नीड्स। तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर, सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको 10 days की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स हैं। ऐप आपको iOS एंड Android दोनों पे मिलेगी, तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। अब मेन चेंज की मैं बात करना चाहूंगा जो बाहर से किया गया है XZ वेरिएंट के ऊपर एंड XZ प्लस वेरिएंट के नीचे, वो है 17 इंच के डुअल टोन डायमंड का अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 235/65R 17 इंच के आपको डायमंड का अलॉय व्हील्स ऑफर करेंगे, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। इसके ऊपर अगर आप काजीरंगा एडिशन लेंगे या डार्क एडिशन लेंगे तो आपको 18 इंच के अलॉयज ऑफर करे जाएंगे, बट XZ प्लस नॉर्मल में आपको यही अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं जो अब आपको इस XZS वेरिएंट में दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्रोम का एक्स्ट्रा काम किया गया है जो एक्सेसरीज का पार्ट है, एंड उसके साथ साथ ये जो रनिंग बोर्ड है आपको एक्स्ट्रा मिलता है एज एन एक्सेसरी जो यहाँ पे कस्टमर ने परचेज किया है। ORVMs आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल, एंड LED इंडिकेटर्स की स्ट्रिप आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे आते हुए साइड प्रोफाइल में आज सच कोई बदलाव नहीं है। पीछे भी आऊंगा तो आपको LED बेस्ड कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स मिलते हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल LED ऑफर करी गई है, एंड इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलता है। क्रोम अगेन एज अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी पैक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगाया गया है, गाड़ी के साथ नहीं मिलता है। 2 parking sensors आपको मिलते हैं अलॉन्ग विथ अगेन दिस फेक डुअल एग्जॉस्ट टिप्स। फेक है, सिर्फ एस्थेटिक पर्पज के लिए आपको दिए गए हैं। यहाँ पे रियर फॉग लैंप एड ऑन हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर मैं बूट को एक्सेस करूं, सो दिस ओपन्स अप टू अ 425 liter बूट स्पेस, जिसमें पार्सल ट्रे आपको मिलती है, एंड आपको एक हिडन स्टोरेज कंपार्टमेंट भी जरूर मिलता है। एक बूट लैंप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एंड जो स्पेयर व्हील है नीचे प्लेस किया गया है गाड़ी के अंडर बॉडी में। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिखेगा, एंड इंटीग्रेटेड डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंट बेस स्टॉप लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना भी आपको दिया गया है। XZS वेरिएंट में वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स पैनोरामिक सनरूफ, जो XZ वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, वो आपको XZS वेरिएंट में दिखाई देगा। सो गाइस, अब हम आ गए हैं
2022 की नई टाटा हैरियर के XZS वेरिएंट का। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। थ्रू आउट द वीडियो जब मैं आपको ओपिनियन दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों टॉप ऑफ द लाइन XZ प्लस वेरिएंट से बेटर आपको ये वेरिएंट लगने वाला है। इसकी ऑन रोड प्राइस डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने पैसे आपको शेल आउट करने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है, XZ वेरिएंट में भी वो आपको मिलती है, तो वैसा कुछ चेंज नहीं है उस एस्पेक्ट में। तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको XT प्लस में पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, काफ़ी फीचर्स मिल रहे हैं, बट अगर आपको जो प्रीमियम इंटीरियर्स हैं जो XZ वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही आते हैं, बट आपको टॉप वेरिएंट जितने पैसे नहीं खर्चने, तो आपके लिए ये एक अच्छा वेरिएंट बन जाता है। तो आपको प्रीमियम ओकवुड फिनिश में इंटीरियर मिलता है, तो ये ओकवुड फिनिश है डैशबोर्ड पे। अभी मैं इस फिल्म को हटाऊंगा नहीं बिकॉज डिलीवरी की गाड़ी है, तो कस्टमर को उतना ही प्रीमियम फील होना चाहिए। बाकी आपको लेदर का काम मिलेगा, बेनिक कैलिको लेदर अपोस्ट्री है। आई अपोलोजाइज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ये लेदर है। अगेन एक ब्राउनिश नटमेग ब्राउन काइंड ऑफ अ फिनिश है जिसमें आपको परफोरेशंस भी मिलती हैं। अब अगर आप XZ प्लस वेरिएंट लेंगे तो आपको वहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी एंड आयरा कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपको XZS वेरिएंट में नहीं मिलती। तो ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, नॉर्मल सीट्स आपको मिलती हैं। बट फर्क क्या आ जाता है XZ वेरिएंट के ऊपर कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 6-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको जो सीट्स हैं अब यहाँ पे मिलती हैं XZS वेरिएंट में। ऊपर से IRVM जो है आपका ऑटो डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ आ जाता है, तो ये भी आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है। इस वेरिएंट में आप चाहें तो अपने हिसाब से डुअल टोन कलर भी खरीद सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ऑटोमेटिक का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखने वाला है। अब अगेन पैनोरामिक सनरूफ के बारे में आपको बता रहा था, तो आपको यहाँ पे ऐड ऑन होते हुए दिखाई देगा XZ वेरिएंट के ऊपर। तो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं सनशेड मैंने खोल दी एंड काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बिगर पैनोरामिक रूफ्स इन द सेगमेंट, तो वो आपको मिलते हैं। आपको मैं वैसे काफ़ी वीडियोस में दिखा चुका हूँ तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये फीचर आपको मिलने वाला है जो आई थिंक अगर आप 20-22 लाख रुपए खर्च रहे हैं किसी गाड़ी पे तो होना चाहिए जस्ट एज अ गिमिक, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं ये सब फीचर्स। हालांकि इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट आप चाहें तो ज़रूर इसके लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बाकी XZ वेरिएंट की तरह आपको 9 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर 4 ट्वीटर JBL की तरफ से। आप देख सकते हैं जो ट्यून्ड अकूस्टिक्स हैं आपको JBL की तरफ से मिलते हैं, उसके साथ साथ सबवूफर एज वेल एज एन एम्पलीफायर आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग्स आपको ऑफर करे जाएंगे अलॉन्ग विद ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं अलॉन्ग विद टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स ऑल्सो। तो आप इसमें स्नो, मड, रेन एक्सेट्रा में स्विच कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। 8.8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पे दिया जाएगा अलॉन्ग विद एन एयर प्योरीफायर ऑल्सो। तो एयर प्योरीफायर भी आपका इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिलने वाला है। तो मेजरली XZ प्लस वेरिएंट के कंपैरिजन में आपको 2 फीचर्स की कमी दिखाई देगी, वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल एज आयरा कनेक्टेड कार टेक। उसके अलावा XZ वेरिएंट के ऊपर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा बता चुका हूँ पैनोरामिक रूफ है आपको, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। बाकी 7 इंच का आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है जिसको आप यहाँ से टॉगल थ्रू कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, तो इसको टॉगल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। 7 इंच का है, सेमी डिजिटल है आप कह सकते हैं, स्पीडोमीटर एनालॉग है एंड ये आपको पूरा डिजिटल ही ऑफर किया गया है। टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है एंड सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं एज वेल एज रेन सेंसिंग वाइपर्स जिनके जो टॉगल्स हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए हैं। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है। फिनिशिंग के मामले में एंटी रिफ्लेक्टिव नापा मिलता है, सॉफ्ट टच है डैशबोर्ड पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता है, हैंड ब्रेक मैनुअली है, आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे नहीं मिलती। ये ग्लव बॉक्स कूल्ड है जिसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ट्विन USBs हैं एंड आप वेंटिलेशन भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेस एक्सेट्रा के बारे में आपको जानना है तो मैंने डिटेल में हैरियर के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ करी हुई हैं, वहाँ पर जाके उसके बारे में जो चीज़ें हैं चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारी वीडियो के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।